परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से आज सुबह परमेश्वर की वजन के साथ ये प्रभात मनन में आके परमेश्वर की वजन से थोड़ा मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 12वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रखा है, उसका 11वां पद तक हमने देखा है कैसे परमेश्वर मूसा को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इसराइल का सभा क्या करना है, इसराइल की मंडली क्या करना है, आपका छुटकारा के लिए, आपका आज़ादी के लिए, वो बात बता रहा है। आज भी हम 12-13 में भी वही बात आगे बढ़ा रहा है। आइए हम वो दो पद को थोड़ा पढ़े। निर्गमन की किताब 12वें अध्याय उसका 12 और 13 पद। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देख के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पगलौटी को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, मैं तो यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहेगा उस पर वो लेहू तुम्हारा निमित्त चिन्ह ठहराया, उसमें हम उसमें उस लो उस लेहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र को देख के लोगों को मारूंगा तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश ना होगे। इधर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर बोल रहा है मैं मिस्र का देश के बीच में से ही जाऊंगा, मैं जाकर हर एक मनुष्य का पकलाउटू और हर एक मनुष्य परिवार में रखा हुआ पकलौटा को, जानवरों हो मनुष्य हो कुछ भी हो, उसी का सबका उसी में मार डाल दूंगा। ये बात को हम देख सकता है, बहुत बड़ा एक न्याय परमेश्वर मिस्रीम की देश की ओर भेजने वाला है। ऐसी एक दिन इस दुनिया के ऊपर भी ऐसी बहुत बड़ा एक बोझ आएगा, एक न्याय आएगा, जब लोग रोएगा कितना, कोई भी उसको बचा नहीं सकता है। उसके बाद 13वें पद में हम देख सकते हैं कि तुम्हारा वो खून हमारा डोर के दोनों साइड में लगाने के द्वारा तुमसे मैं निकल जाऊंगा, तुम्हारा घर के अंदर जाकर तुम्हारा पगलौटा को मैं मार नहीं सकता है, क्योंकि तुम परमेश्वर ने दिया हुआ वो मेमने की लेहू के अंदर सुरक्षित है। हम जानता है कि आसमान के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है, वो प्रभु यीशु मसीह है, वो उसी के द्वारा ही हमारा रक्षा हो रखा है। ये बात को इधर दिखाता है, परमेश्वर की ओर से हमको रक्षा आ रहा है। परमेश्वर अपना बातों मूसा के द्वारा लोगों को बताना चाहता है। और देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या ये पशु सब के पगलौटों को मैं मार डाल दूँगा। वो मार डालने से बचने के लिए परमेश्वर ने ऐसी एक सुविधा हमारे लिए दिया है, वो विश्वास के साथ उसको अंगीकार करना है। कैसे परमेश्वर ने हमको आज्ञा देता है उसी हिसाब से आगे बढ़ना है। उधर बोलता है कि मैं
तुम्हारा देवी देवताओं को भी दंड दे दूंगा। एक एक बाधा आने के टाइम हमने देखा था कि ये एक एक के लिए हो रहा है। ऐसी एक अवस्था इधर हम देख सकता है, तुम्हारे तुमको बचाने के लिए, तुमको दंड से बचने के लिए परमेश्वर की खून के अंदर वो हो रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी जानते हैं कि हम भी नाश की ओर जाने वाला था, हमारा भी मृत्यु होने वाला था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले हमारे लिए एक बलि चढ़ाए चढ़ गया है। वो पृथ्वी के नीचे ऊपर और आसमान के नीचे और कोई नाम नहीं है परमेश्वर को मानने के लिए, परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए। वो बातों को इधर याद कर रहा है। परमेश्वर ने हमको भी मदद किया है, वो खून के अंदर हमारे हृदय के अंदर भी वो खून डल पाए, हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारने के लिए भी परमेश्वर ने मदद दिया है। इसलिए वो परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हम हमारा हर एक अवस्था को हटाकर एक नया अवस्था में लेके आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। इसलिए वो परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, उसको ये बड़ा बड़ा कामों को याद करते हुए अपना महिमा करते हुए जीने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।